bass in your face, yeah. एमआर साहब ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस इस नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग आ चुके हैं लुधियाना। लुधियाना में जो हम लोगों ने रात भर कार चलाने के बाद जो हम लोग सुबह 8 बजे पहुंचे थे लुधियाना, फिर उसके बाद हम लोगों ने सोया। अभी सोने के बाद अभी उठे, तो अभी उठने के बाद थोड़ा भूख लग रही थी तो हम लोगों को, तो यहाँ पर हम लोगों ने इंतज़ाम बनाया। यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस है, अभी 6 डिग्री सेल्सियस है। ये हम लोगों की बन रही है मटर वाली मैगी। बैठे इंतजाम से, यहाँ छत है, पूरा कोहरा ही कोहरा है, मौसम पूरा चेंज हो चुका है। अब हम आपको लुधियाना का पूरा दिखाएंगे इसमें, ठीक है गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं प्लेटें लेने, कुछ चना मटर लेने। देखिए मैगी बनती हुई गरम गरम, और ये लोग भी गरम गरम होते हुए ये इंतजाम रख लिया है आगे की इस ट्रिप के लिए। देखिए गाइस आलू भुजिया मैगी, आलू भुजिया मैगी है। ये कैसी लग रही है गाइस? हम लोग घूम रहे हैं लुधियाना की मार्केट। मार्केट में हम लोग कुछ खाने आने के लिए आए थे यहाँ पर, और ये है इनके यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, उससे लिखा है पंजाबी से, बट यहाँ पे क्या बोलते हैं गाजर का हलवा और रसगुल्ले बहुत फेमस बताए जा रहे हैं। देखिए गाजर का हलवा और रसगुल्ले, बहुत खुश होते हुए जैसे कि छक्का मार दिया हूँ बाबू। है ये लुधियाना का फेमस दूध है कुड़ का, जो गुड़ डाल के मिलता है, आप लोग भी जब पिए तो ज़रूर पिए। गाइस ये देखिए लुधियाने का गुरुद्वारा, इतना प्यारा लग रहा है लुधियाने का गुरुद्वारा, वाओ नाइस यार। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं अमर होटल पे खाना खाने के लिए। समय हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं समय, तो खाना खाने का टाइम हुआ है। खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे अपने रूम में, जो तागज भाई यहाँ पे पहले से रूम लिए रहे हैं, तो उन्हीं के रूम में हम लोग रुक रहे हैं, इसलिए हमने रूम नहीं दिखाई है। बाकी रूम में चलते हैं तो फिर दिखाते हैं पंचम भाई का प्रोग्राम, वो कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से, शिकायत है उन्हें। ठीक है पंचम भाई, ऐसे कर दो। ये सरसों का साग है, वो यहाँ का बहुत फेमस है। गाइस गुड मॉर्निंग, हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, बसेस कहीं जा रहे ही नहीं है, बस ऐसे ही ओनली तैयार हो गए हैं। गाइस एक बहुत फनी वाली बात हम आपको बताते हैं, हमने अभी पज्जन का सूट किया था मतलब कि आईफोन से, तो फिल्टर वगैरह डाल दिए थे दिखाना, तो पज्जन की हमने पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पर, देखिए आप लोग पज्जन भाई की हमने पोस्ट इंस्टाग्राम पर ये डाली, देखिए कितने गुड लुकिंग कूल लग रहे हैं पज्जन भाई। देखिए फिर अचानक से एक लड़की का मैसेज आता है, लड़की नहीं दिखाएंगे नहीं तो आप लोग फॉलो कर लो, कि लड़की का मैसेज आता है पज्जन के पास, तो सुनिए क्या बोलती है लड़की। लड़की देखना क्या बोलती है। hey, अरमान गुड इवनिंग, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अरमान अभी मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही थी, मुझे आपकी प्रोफाइल दिखी एंड काफी वेल मेंटेन लगी, देन मैंने आपको जो ऑडियो शेयर किया, एंड मेरा मेन मोटिव यही था, मुझे लग रहा है शायद आप लुधियाना या उसके नियर बाई एरिया से बिलोंग करते हो। एक्चुअली लुधियाना में हमारा एक इवेंट होने जा रहा है जो कि डिजिटल वर्क के रिगार्डिंग है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे अपना कॉलिंग नंबर शेयर कर सकते हो, अदरवाइज आपको नीड नहीं है तो आप ऐसे पर्सन को मेरा ये रेफरेंस शेयर कर सकते हो जिनको बहुत नीड हो वर्क। तो देखिए गाइस पज्जन के पास ऑफर आ रहा है, पर उन्हें कोई वो नहीं है अपनी तरफ से, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने कही भाई हम इनको दे दो एक आध हम लेमन के बात तो आती नहीं है कुछ भी, हम इनको दे दो भाई। भाई हम लोगों ने लुधियाना छोड़ दिया है, हम लुधियाने में हम लोग भरवा रहे हैं पेट्रोल। पेट्रोल भरवाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं अमृतसर गोल्डन टेंपल के लिए। अमृतसर जा रहे हैं गोल्डन टेंपल के लिए, गाड़ी में हो रहा है तेल फुल। भाई हम लोग अमृतसर के लिए निकले थे तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोगों ने कार यहाँ पे पार्क करके जा रहे हैं ढाबा खाना खाने के लिए। सामने है ढाबा खाना खाने के लिए, और ये मैं अरमान भाई पूरी तरीके से तैयार होते हुए बढ़िया फुल इंतजाम करते हुए मफलर अफलर और आसू भाई पर्याप्त आते हुए, ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे अमृतसर, केवल 50 किलोमीटर रह गया है अमृतसर, ठीक है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे गोल्डन टेम्पल, आप लोगों को दिखाएंगे।
जी प्रिंस ढाबा जो है हमें लगता है बहुत फेमस है, यहाँ पे सारे एक्टर्स आ चुके हैं। जी देखिए आप लोग, सारे एक्टर्स आ चुके हैं यहाँ पे, कितने सारे एक्टर्स। हम लोग फाइनली गोल्डन टेंपल आ चुके हैं, ये देखिए वहाँ का नज़ारा कितना बढ़िया है, और ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया नज़ारा है। अभी हम लोग जाएंगे गोल्डन टेंपल में, आप लोगों को सारी मूर्ति दिखाएंगे। रात की टाइम आए हैं हम लोग यहाँ पे, सुनाई दे रहा। ये गोल्डन टेंपल का एंट्री गेट है, इसके अंदर से गोल्डन टेंपल दिखता है। इस समय हो रहा है रात के 1 बज रहे हैं, और यहाँ पे अंदर जाने को नहीं मिल रहा है। और देख सकते हैं आप ये सामने गोल्डन टेंपल, हम आपको जूम करके दिखाते हैं कितना क्लियर दिख रहा है। पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं, सुबह आएंगे। गाइस हमने अंदर की वीडियो बनाई थी, ब्लॉग भी बनाया था, उन लोगों ने गुरुद्वारे वालों ने उन्होंने कैमरा फ़ोन लेकर वीडियो वगैरह डिलीट करा दी, बोल रहे थे कि ये सब अच्छा नहीं है, यहाँ ब्लॉग व्लॉग चलता नहीं है, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा शॉर्ट लिया है, वो बस आपको दिखाया है। बाकी वहाँ अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, सारी वीडियो डिलीट करा दी उन्होंने, और जो जो एक्शन वाली फ़ोटो वगैरह भी हैं यहाँ पे नहीं लेने देते हैं, केवल हाथ जोड़ने वाली बस फ़ोटो है वो लेने देते हैं। तो बस हम लोगों ने वहाँ अंदर जाके दिखाया आपको थोड़ा सा शॉट, अब हम जा रहे हैं। तो गाइस हम लोगों ने फाइनली होटल ले लिया है अमृतसर में, जो अब हम लोग आराम कर रहे हैं। आराम करने के बाद अब हम लोग कल 8 बजे तैयार होकर एक बार फिर से टेंपल जाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर लाहौर में इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर जाएंगे हम लोग। तो ये है हमारे अरमान भाई जिन्हें तो गाइस अरमान भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए हमसे बोले आप हमारे दिन रात मजाक मस्ती उड़ाते रहते हैं, कोई बात नहीं हम अब जा रहे हैं सोने के लिए। ये है हम लोगों का रूम अरमान भाई, ये तो ये हम लोगों का रूम, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, सुबह उठेंगे और हम लोग आपको एक बार सुबह में फिर दिखाएंगे, शायद अगर वहाँ वीडियो बनाने दें, वीडियो तो वहाँ अलाउ नहीं है, अगर वीडियो बनाने दें तो हम आप लोगों को सुबह ज़रूर दिखाएंगे गोल्डन टेम्पल के लिए। फिर गोल्डन टेम्पल के बाद हम लोग वहीं के वहीं चेकआउट करके तुरंत बाघा बॉर्डर के लिए निकल जाएंगे। फिर बाघा बॉर्डर से फिर आपको तो मालूम है किधर जाना है, सबसे लंबा ट्रिप मनाली, जिसका ब्लॉग हम दूसरे पार्ट्स में बनाएंगे, ब्लॉग का ये बाघा बॉर्डर तक का ही ब्लॉग रहेगा। ठीक है, गुड नाइट। पानी की बॉटल उठा लिया, सुन दो पानी की बॉटल। तो गाइस गुड मॉर्निंग, हम लोग रेडी हो चुके हैं, नहा धो के उठ गए थे, और सुबह सुबह ये देखिए हमारा लुक, अब हम जा रहे हैं टेम्पल के लिए। वहाँ पे कुछ दिखा तो पाएंगे नहीं आपको, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। और हमारे अरमान भाई मतलब पज्जन भी रेडी हो चुके हैं, ताविस भाई आशु भाई नहा रहे हैं बाथरूम में, हमने कहा नहाते रहो हम तो निकलते हैं। ठीक है गाइस, तो बाय। हम लोग आ गए हैं अभी अभी जस्ट यहाँ पर टेंपल में, ये सामने टेंपल का एंट्री गेट, अब देखते हैं यहाँ कैमरा चलता है कि नहीं चलता है, ये कैमरा अलाउ नहीं है वहाँ पर। ये गाइस सुबह का गोल्डन टेंपल का नज़ारा है, जो मैं छिप के वीडियो बना रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग देख कर डिलीट करवा देते हैं। ये देखिए बस यहाँ पे ये भंडारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। ये देखिए सामने गोल्डन टेंपल है, चलो। तो गाइस हम लोगों ने अमृतसर छोड़ दिया है, अब हम लोग निकल रहे हैं लाहौर, मतलब कि बाघा बॉर्डर जा रहे हैं लाहौर। जे लाहौर यहाँ से मतलब कि 25 किलोमीटर है ये रोड से, मतलब पाकिस्तान यहाँ से 25 किलोमीटर में लग जाता है, 24-25 किलोमीटर है पाकिस्तान। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाहौर बाघा बॉर्डर, वहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो वहाँ पे फोटो वोटो वगैरह क्लिक करेंगे, और बस फिर वहाँ से सीधा निकल जाएंगे हम लोग मनाली के लिए। समय हो रहा है 2 बज रहे हैं, 1:45 बज रहे हैं, फिर वहाँ से सीधा मनाली, यहाँ से बाघा बॉर्डर से मनाली 450 किलोमीटर है। तो आप लोगों को अभी हम दिखाते हैं बाघा बॉर्डर। तो गाइस देखिए हम लोग आ गए हैं बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर देखिए कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पर। ये देखिए हम आपको सामने से फ्रंट का व्यू दिखा रहे हैं, वो सामने अपना नेशनल फ्लैग तिरंगा दिख रहा है आपको, देखिए ये रहा सामने,
सकते हैं हम आ गए इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर, बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर देखिए ये रहा आपके सामने, ये रहा, ये देखिए हम लोगों को जैसे उतरते ही साथ यहाँ पे नेशनल फ्लैग लगा दिया गया। जो बंदे ने पैसे भी नहीं पूछे बट उन्होंने 100 रुपये ले लिए इसके। सबके लगा दिया, अरमान भाई तक की भी लगा दिया। भाई साहब देख सकते हैं ये है बाघा बॉर्डर का एंट्री गेट, अपना नेशनल फ्लैग दिख रहा है। यहाँ से शायद अंदर जाने को है बट मालूम नहीं है, देखते हैं हम आपको व्यू दिखाएंगे पूरा। यहाँ पे सामने से पाकिस्तान का बॉर्डर दिखेगा। ये देखिए गाइस, ये देख सकते हैं गाइस बाघा बॉर्डर के अंदर का सीन है ये। गाइस यहाँ पर तो वीडियो गेम वगैरह भी, खाने पीने का सब प्रोग्राम सिस्टम है, बैठने का, शॉपिंग वॉपिंग वगैरह भी होता है यहाँ पे। हमें तो मालूम ही नहीं था यहाँ पे, यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से। देखिए गाइस इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ये रहा सामने, ऐसा लगता है जैसे घर की खेती है, उन्होंने ताल लगा दी हूँ। नहीं मतलब यहाँ से नहीं दिखेगा क्या वहाँ के लिए? यहाँ से नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ से। उधर से जाओगे ना वो रेड गेट दिखेगा बड़ा सा, हाँ उधर जाना, उधर से सब कुछ अभी दिखेगा, वहाँ से नहीं दिखेगा। अभी नहीं, 2:30 बजे आपकी आंटी है, 2:30 बजे, 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे। तो यार थोड़ा इंतजार कर लो। हाँ हाँ करो करो। उधर हम लोग बहुत दूर ऊपर चढ़ते हुए आपको व्यू दिखा रहे हैं पाकिस्तान का। ये देखिए ये रहा बॉर्डर, ये पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है ही नहीं वहाँ पे। देखिए 2:30 हो चुके हैं यहाँ पे, 2:30 में अंदर को एंट्री मिलती है, तो कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, मेरे को लगता है मेरे को तो जा नहीं पाना। ये देखिए पूरा घेरा बना हुआ है वहाँ से वहाँ तक का, यहाँ से पूरा यहाँ लगता था। मेरे की बस की नहीं है, मैं नहीं जाना क्योंकि मेरे को मनाली निकलना है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा समय नहीं बर्बाद कर सकते अपना क्योंकि रात हो जाएगी। तो ये है इंडिया का बाघा बॉर्डर, और ये रहा पाकिस्तान का अंदर का फ्लैग, पनीर के पराठे। बाघा बॉर्डर के थोड़ी आएंगे पनीर के पराठे खाते हुए, नान है वे पराठे नहीं है, पनीर की नांद। तो गाइस देख सकते हैं आप हम लोगों का हाल। तो गाइस सो रहे हम लोग, नींद आ रही है, हाईवे में गाड़ी टका कर बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। बच्चन भाई कुछ कहना चाहोगे? भाई ठीक है, तो भाई गुड नाइट।